नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बगल में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर से टॉपिक लिया है विकास को रोकती सामाजिक चुनौतियाँ। भारत दुनिया के तेज आर्थिक विकास वालों देश में से एक है, पर इस विकास का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। इसका असर उसके विकास पर भी पड़ा, जो पिछले महीनों में लगातार धीमा हुआ है। सामाजिक चुनौतियाँ बनी हुई है और गरीबी बढ़ रही है। भारत ने 90 के दशक में आर्थिक सुधार शुरू किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे। सुधारों से उम्मीद थी कि लोगों के आर्थिक हालात सुधरेंगे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान न देने की वजह से गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और लैंगिक विषमता जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ गई हैं। अब यह देश के विकास को प्रभावित कर रहा है। दो दशक के आर्थिक सुधारों की वजह से देश ने तरक्की तो की है, लेकिन एक तिहाई आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। भारत इस अवधि में ऐसा देश बन गया है जहां दुनिया भर के एक तिहाई गरीब रहते हैं। चीन की कामयाबी। चीन अपने यहाँ गरीबों की तादाद में भारी कमी करने में कामयाब रहा है, लेकिन भारत विकास के फायदे आम लोगों में समान ढंग से बांट नहीं पाया है। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप चीन का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 12,000 अरब डॉलर हो गया है, जबकि समान आबादी के बावजूद भारत का GDP इसका एक तिहाई ही है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दोनों देशों के बीच गहरी खाई है। 2001 से 2012 के बीच भारत में औसत आय $460 से बढ़कर $1,700 हुई है, जबकि चीन में इसी अवधि में यह 890 से बढ़कर $6,800 हो गया है। पिछले सालों में भारत की विकास दर करीब 9% रही है, लेकिन देहाती क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था के ज़्यादातर इलाकों में आय बहुत धीमी गति से बढ़ी है। क्षेत्रीय विकास विशेषज्ञ प्रोफेसर रविशंकर श्रीवास्तव कहते हैं, हमारा विकास गरीबों का समर्थन करने वाला विकास नहीं था। विषमताएं बढ़ी हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि गरीबी पर विकास की प्रक्रिया का प्रभाव बहुत से दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम रहा है। नतीजन कुपोषण और गरीबी में इस कदर बढ़ गई है कि सरकार को आबादी के बड़े हिस्से को खाद्य पदार्थों की गारंटी देने के लिए खाद्य सुरक्षा ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। इस पर 1.3 अरब रुपए का खर्च आएगा। विकास की रणनीति। हाल में जारी UN शिक्षा सूचकांक के अनुसार भारत 181 देशों में 147वें स्थान पर है। हालांकि पिछले सालों में ढेर सारे गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुले हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा के अभाव और भ्रष्टाचार की वजह से स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिला है। IIT और IIM को विश्व भर में जाना जाता है, लेकिन वे भारत के वर्तमान विकास के लिए ज़रूरी इंजीनियर और मैनेजर प्रशिक्षित करने की हालात में नहीं है। देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने के लिए कामगारों और मैनेजरों के स्तरीय प्रशिक्षण की योजना जरूरी है। शोध और विकास के क्षेत्र में भी भारत पर्याप्त खर्चा नहीं कर रहा है। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों चीन और दक्षिण कोरिया से बहुत पीछे है। भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाले वैश्विक खर्च का सिर्फ 2.1% खर्च करता है, जबकि यूरोप का हिस्सा
24.5% है। श्रीवास्तव का कहना है कि विकास की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह निचले तबके के लोगों की आय बढ़ाकर गरीबी का प्रभावशाली तरीके से मुकाबला कर सके। यदि विकास का फोकस देश के गरीब इलाकों और बेहतर आय और स्तरीय रोजगार के जरिए लोगों को गरीबी से बाहर निकालने वाली रणनीतियों पर हो तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा। महिलाओं के प्रति हिंसा की खबरें आम नहीं रुकता भ्रष्टाचार नहीं रुकता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 176 देशों की सूची में भारत 94वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में रिश्वतखोरी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। भारत में 70% लोगों का मानना है कि पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार की स्थिति और बिगड़ी है। पिछले साल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में विशाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, लेकिन जन लोकपाल बनाने की मांग को राजनीतिक दलों का व्यापक समर्थन नहीं मिला। पार्टियां अपने को आरटीआई कानून से भी अलग रखना चाहती हैं। भारत की प्रमुख कारोबारी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि भारत का 2011 से 2012 के बीच भ्रष्टाचार के कारण $7 अरब का नुकसान हुआ। 2G टेलीकॉम कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला घोटालों से हुए नुकसान को इसमें शामिल नहीं किया गया है जो हजारों करोड़ के हैं। भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था के विकास पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। जर्मनी जैसे देशों की विदेशी कंपनियों ने तो इस पर अब खुलेआम अपनी चिंताएं जताना शुरू कर दी है। गरीबी और बेरोजगारी नए रोजगार बनाने और गरीबी को रोकने में सरकार की विफलता की वजह से देहातों से लोगों का शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। इसकी वजह से शहरों के ढांचागत संरचना पर दबाव पैदा हो रहा है। आधुनिकता के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और नौकरी के लिए युवा लोगों ने शहरों का रुख किया है जिनका नितांत अभाव है। नतीजे में पैदा हुई सामाजिक तनाव और कुंठा की वजह से हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा में तेजी आई है। दिसंबर 2012 में नई दिल्ली में एक छात्रा के गैंग रेप ने आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत में महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया है। हालांकि बलात्कार और छेड़छाड़ से संबंधित कानूनों में सख्ती लाई गई है और सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों की बहाली की दिशा में कदम उठाए हैं, पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आई है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज़ की निदेशक प्रोफेसर इंदु अग्निहोत्री इसकी वजह समाज में महिलाओं की हैसियत को मानती हैं जो बहुत नीची है। यह सभी कारकों में दिखती है, खासकर आर्थिक हिस्सेदारी में उन्हें सामाजिक बोझ समझा जाता है। उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोग की वस्तु समझा जाता है जो समाज में उत्पादक योगदान नहीं देता। इसकी वजह से हिंसा और बढ़ रही है। समाज की बेरुखी भारतीय समाज महिलाओं के मुद्दों को किस तरह नज़रअंदाज कर रहा है यह इस बात से पता चलता है कि सालों से चल रही बहस के बावजूद महिलाओं के लिए संसद में सीटों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। कुछ राजनीतिक दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं जबकि दूसरे अवसरवादी कारणों से इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी संगठन की संरचना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं कर रही है। भारत राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व में भी लैंगिक विषमता का सामना खुलकर नहीं कर रहा है। आधुनिक कारोबार में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी का महत्व बढ़ गया है और बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनियां महिला मैनेजरों को आकर्षित करने के प्रयास भी कर रही हैं,
लेकिन अब भी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड भारतीय कंपनियों के बोर्ड रूम में महिला मैनेजरों की संख्या सिर्फ 3% है। अग्निहोत्री लोगों की सोच में बदलाव मांग रही हैं। यदि महिलाओं की आर्थिक दशा सुधरती है तो उनकी मुश्किलें भी कम होंगी। ऐसा नहीं है कि कमाने वाली महिलाओं को तुरंत उसके अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं कमाती हैं उनके पास विकल्प होते हैं। अपने अधिकारों पर बल देने और अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को आवाज़ देने और उन पर अमल करने का मौका होता है। पिछले महीनों में भारत के आर्थिक विकास में तेज़ी से आई कमी का कारण वैश्विक आर्थिक संकट बताया जा रहा है, लेकिन विकास दर को बनाए रखने में विफलता की वजह प्रतिभाओं का इस्तेमाल न करना और कुशल कारीगरों की कमी भी है। भारत मुख्य रूप से गांव में रहने वाली अपनी आबादी की क्षमताओं का इस्तेमाल करने और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने में नाकाम रहा है। उसे समझना होगा कि उसका आर्थिक स्वास्थ्य व्यापक रूप से उपलब्ध प्रतिभाओं के बेहतर इस्तेमाल पर ही निर्भर होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।